नमस्कार दोस्तों, केरल में हाल ही में एक ऐसा पार्क बनाया गया है जो घरों के बीच में है। इस पर गाड़ियों के चलने की मनाही है, सिर्फ लोग पैदल ही चल सकते हैं। ये केरल के पारंपरिक घरों के बीच आधुनिक निर्माण का एक बेहतरीन नमूना है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि हम कहीं यूरोपीय देश में आ गए हैं। जैसे ही केरल के टूरिज्म मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। केरल के कोझिकोड जिले के वडाकरा के पास काराकाडा गांव में बनाए गए इस पार्क का नाम है वाघभटानंद पार्क। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस पार्क की तस्वीरें वायरल होने लगी, तो इसकी तुलना यूरोपीय देशों की सड़कों से करने लगे। इस पार्क में पक्की सड़कें, क्यारियां, यूरोपीय डिजाइन की लाइट्स, आधुनिक इमारतें, ओपन स्टेज, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट और चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। वहीं पार्क के दोनों तरफ बनाए गए शौचालयों में दिव्यांग लोग भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पार्क के रास्तों में टेक्निकल टाइल्स लगाई गई है ताकि दृष्टिहीन लोग भी इस रास्ते का पूरा आनंद उठा सके। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पार्क से इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब इस पार्क को देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग आएंगे। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पार्क हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ढिंचक खबरें को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।